अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई कुकिंग चैनल लाइवली कुकिंग विद तहमीना। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरकीब के साथ मैंगो आइसक्रीम ओनली विद 3 इंग्रेडिएंट्स, जो कि बच्चों और बड़ों को बहुत पसंद होती है। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है 500 ml विप क्रीम। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑलपर्स क्रीम के 2 पैकेट या फिर नेस्ले मिल्क क्रीम के 2 फ्रेश पैकेट ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जो व्हिप क्रीम है या फिर आप जो फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो चिल्ड होनी चाहिए। चलिए इसको बीट करते हैं अंटिल ये इसका साइज़ डबल ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से 10 मिनट तक इसको हम बीट करेंगे। देखिए माशाल्लाह इसका टेक्सचर बहुत ही फोमी हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगोज की प्यूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 kg आम थे, इनको मैंने अच्छी तरह से छील कर इनका गूदा निकाल कर प्यूरी बना ली है और इसको छान भी लिया है, क्योंकि अगर अक्सर मैंगोज में थ्रेड होते हैं जैसे वो जाल सा होता है तो उससे फिर अच्छा जायका नहीं आता, आइसक्रीम खाते हुए मज़ा नहीं आता। तो ये इसमें हम ऐड कर रही हूँ 1 kg आम है, उनकी प्यूरी कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, व्हिप क्रीम के अंदर हमने मैंगोज़ की प्यूरी और कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मेरे पास है येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें। 1/4 teaspoon। अब इसमें ऐड कर देंगे मैंगो एसेंस, थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए। अगर आप ये आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं ऐड करना चाहते तो ये टोटली ऑप्शनल है, आप ना ऐड करें। 1/4 teaspoon ये इसमें ऐड कर रही हूँ। लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ऐड कर देंगे 1/2 cup मैंगो क्यूब्स, इसको अच्छी तरह मिक्स कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसके अंदर कलर्स भी येलो फूड कलर और मैंगो एसेंस ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेक्सचर इसका हो गया। इसको हम डाल लेते हैं बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपने बाउल में आइसक्रीम निकाल कर उसको प्लास्टिक रैप कर दिया है। आपने भी इसको एयर टाइट लाजमी करना है ताकि इसमें बर्फ़ ना जम सके। अब इसको हम 7 से 8 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी जो आइसक्रीम हमारी रह गई है उसको हम इस कंटेनर में डाल लेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे 2 बाउल रेडी हो गए हैं। आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं, अगर आपको आपके पास कोई स्टील का मोल्ड है तो वो भी ले सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे 7 से 8 घंटे पूरे हो गए हैं। अब चेक करते हैं हमारी आइसक्रीम कैसी लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है व्यूअर्स। अगर आपको मेरी भी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।